अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल महाज व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था बुलेटिन बोर्ड बनाना, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ हैंगिंग्स बनाना शेयर करूँगी जो दिखने में बहुत खूबसूरत लगती है। तो जी, मैंने कैंटीन के कबाड़ से ये कॉटन ले लिया है और अब इस कॉटन को मैं एक खूबसूरत सी रेनबो हैंगिंग्स में ट्रांसफॉर्म करूँगी। वीडियो आपने फुल देखनी है और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ गाइस मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में मुझे बताएं कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। पिछले वीडियो में आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मुझे इस वीडियो में भी बहुत प्यार दिखाएंगे। तो जी, अब हमें चाहिए है वुलन थ्रेड, जिसको हम ऊन का धागा भी कहते हैं, क्योंकि हमने रेनबो हैंगिंग्स बनानी है तो हमें डिफरेंट कलर के वुलन थ्रेड चाहिए। यहाँ पे तो मैंने आपको थोड़े से बताए हैं, लेकिन हमने बहुत सारे वुलन थ्रेड डिफरेंट कलर्स के लिए थे। अब हम ले लेते हैं ग्लू गन। तो जी, इसने तो मेरी जिंदगी आसान कर दी है। जब से मैंने ये ली है, यकीन करें हर चीज बनाना बहुत आसान हो गया। उसके बाद हमने कॉटन को कट कर लिया है रेनबो की शेप्स में। सबसे पहले मैंने इसको एक स्मॉल में कट किया है, एक मीडियम में और एक लार्ज में। कॉटन पे आप लोगों ने पहले ड्रॉ करना है, उसके बाद कट करना है ताकि आपके पास ऐसी ही फिनिशिंग वाली लुक है। अब हमने जो यू शेप्स काटी थी उस पर ऊन का धागा चढ़ाना शुरू कर दिया है कुछ इस तरह से। इसमें टाइम तो बहुत लगता है, लेकिन यकीन करें जब ये बन जाएगा तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। अब हमने उन यू शेप्स को डिफरेंट कलर के थ्रेड से कवर कर दिया है कुछ इस तरह से। ग्लू गन की मदद से हमने इन थ्रेड्स को पेस्ट किया है। यहाँ पे तो ये अनटाइडी लुक दे रहे हैं, लेकिन जब ये एंड में कम्बाइन हो जाएंगे तो बहुत ही नीट लुक देंगे। अब हमने यहाँ पे थ्री डिफरेंट शेप्स और थ्री डिफरेंट कलर्स को रख दिया है। उसके बाद हमने इसको ग्लू गन की मदद से बाइंड करना है। याद रखें, आप लोगों ने ग्लू को दोनों तरफ से लगाना है ताकि ये उखड़ ना सके। अब हमने रेनबो पे लगने वाले बादल बना लिए हैं। इसको भी हमने वुलन थ्रेड से ही बनाया है, लेकिन आपको इसके लिए प्योर व्हाइट वुलन थ्रेड चाहिए ताकि ये बादल वाली लुक दे सके। तो जी, ये है इनकी फाइनल लुक। ये बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे और यहाँ पे तो ये खूबसूरत लग ही रहे थे, लेकिन हैंग होने के बाद इनका एक अलग ही लेवल का लुक आया था। आगे मैं आपको इनको हैंग करके भी बताऊंगी। यहाँ पे हमने इनको हैंग कर लिया है और हैंग होने के बाद ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। आप मुझे कमेंट में बताएं कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी है। इस वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो से आप लोगों को कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ मिले होंगे। और जिसने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी गाइज, मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, आप वो भी ज़रूर चेक करिएगा। तो जी, नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।